So guys, how's the campus? What are the placements? The people are amazing. देख रहे हो, मैं खड़ा हूँ नीति मीनाक्षी के सामने और इसका पूरा कैंपस टूर देने वाला हूँ आज आपको। एक एक चीज को दिखाऊंगा, हॉस्टल से लेके मैस से लेके कैंपस टूर पूरा कॉलेज रिव्यूज। और आपको पता है इस कॉलेज के पास आपका एयरबेस भी है आर्मी का, जस्ट यहाँ से थोड़ी दूर पे ये एयरबेस भी है। तो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है कॉलेज। आओ पूरा कैंपस टूर आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये आपका नीति मीनाक्षी का गेट और ये आपका मैप होगा और यहाँ से आप जाएंगे और सीधा सीधा जाते ही आगे आके आपका लेफ्ट और वहां से आपका मेन कैंपस शुरू हो जाएगा। तो आओ देखते हैं पूरा कैंपस। ये है नीति मीनाक्षी का मैप और अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग में है। आपको यहाँ से लेते हैं, मैं पूरा कैंपस दिखाऊंगा तो मैप बिल्कुल जूम कर देता हूँ। तो जैसे ही आप मंदिर के आगे आएंगे तो ये आपका पार्क हो गया। ये सब एरिया कॉमन है, मतलब पूरा कॉमन एरिया, यहाँ पे बैठ सकते हो। वो सारी अकेडमिक ब्लॉक्स है, CSE ISC EC जितनी ब्रांचेज हैं उन सब के पूरे अकेडमिक ब्लॉक्स हैं और ये मेन क्लासेस यहीं पर होती हैं मंदिर के आगे। आप चलते आएंगे, ये देखो। ये आपका यहाँ पे केमिकल डिपार्टमेंट पड़ जाता है, यहाँ पे केमिकल लैब है और सामने जो बिल्डिंग है ये पूरा जो ब्लॉक है ना, ये ऐसे पूरा ब्लॉक आपका जुड़ा हुआ है। तो सारी क्लासेस यहीं पे होती है, सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर की। CSE ISC वाले वहाँ बैठते हैं। तो बहुत बड़ा है, अभी और अंदर चलते आते हैं दिखाते हैं। तो अंदर अगर हो सके तो मैं क्लासेस कवर करने की कोशिश करूँगा, बट आप ये देख सकते हो ग्रीनरी कितनी है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। और हाँ, और भी देखते हैं क्या क्या है। मैंने अभी पूरा कॉलेज देखा नहीं है, मैं खुद देखता आ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं देखता आ रहा हूँ आपको भी दिखाता आ रहा हूँ। बड़े यार ये देखो पाथवे कितना अच्छा है यार, सुंदर। तो भाई जैसे मैं वहाँ से आया था, जैसे आप सीधे सीधे चलते होगे तो ये आपको पड़ेगा कावेरी हॉस्टल। ये बॉयज़ हॉस्टल है, कावेरी बॉयज़ हॉस्टल। तो हॉस्टल्स भी यहाँ पे पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे आता हूँ आपको और सारे हॉस्टल सिखाऊंगा। तो गाइस ये है मेन कॉलेज की बिल्डिंग और ये देखो पूरा कैंपस। मैं आया था वहाँ से, यहाँ से होता हुआ ये मेन आपका बिल्डिंग, यहाँ से एंट्रेंस है और ये पूरा कवर करता हुआ ऐसे पूरा सी में। और वो देखो वो सामने हॉस्टल, वो आगे अंदर और जा रहा है कॉलेज। और ग्रीनरी देखो यार काफ़ी अच्छी है। ये है आपका नीति मीनाक्षी। जैसे ही आप चलते जाएंगे, मैंने वो पूरा साइड का वहाँ से सी का ब्लॉक कवर करता हुआ आप जैसे जैसे चलते जाएंगे। ये देखो एक और गार्डन आ गया, सामने बास्केटबॉल, सामने थिएटर है वहाँ पे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो कैंपस काफ़ी बड़ा है, देखो कितना बड़ा है, स्पेसियस बहुत है, बास्केटबॉल है। अभी और भी देखें अंदर स्पोर्ट्स भी बहुत। ये देखो यार ये पूरा आपका बास्केटबॉल ग्राउंड, ये ओपन थिएटर, ये रहा मेरे ख्याल से फेस्ट यहीं पर हो जाते होंगे ओपन थिएटर के। एंड सेकेंड वहाँ कैंटीन है, ये और भी आगे हॉस्टल्स पढ़ रहे हैं। और ये आपका एकेडमिक ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म होता हुआ। गाइज ये है आपकी मेस, यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का खाना होता है। तो नीचे आपका बॉयज़ का है, ऊपर आपका गर्ल्स का है, कोएड मेस ये देख सकते हो।
जस्ट बास्केटबॉल के सामने, बास्केटबॉल ग्राउंड के सामने, और ये आपका कैंटीन, डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं। अभी और आगे चलते हैं, दिखाता है तो पूरा कैंपस। एंड ये देखो, हम यहाँ से पीछे से आए थे, कवर करता हुआ एक एक डायरेक्शन आपको बता रहा हूँ, पूरा मैप पे जो हो रहा है वो पूरा कवर करता जा रहा हूँ, तो बिल्कुल बने रहो। अभी तो बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। तो गाइज, ये है आपका गर्ल्स हॉस्टल, जस्ट बास्केटबॉल के बिसाइड आपका गर्ल्स हॉस्टल आ जाएगा, और गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट सामने आपका कैंटीन है। तो ये देख सकते हैं, गर्ल्स हॉस्टल कैंपस के अंदर है, बॉयज़ हॉस्टल भी कैंपस के अंदर है, और 10 बजे तक की टाइमिंग है हॉस्टल्स की, तो ये काफ़ी अच्छा है, थोड़ी सी फ्रीडम है। ये पहला आपका गर्ल्स हॉस्टल, और ये आपका दूसरा गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल आपने सामने, पास में कैंटीन है, पास में शॉप्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है फॉर द गर्ल्स हु आर कमिंग, क्योंकि यार कैंटीन पास में नहीं होता यूजुअली, गर्ल्स हॉस्टल थोड़ा दूर रहता है, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, फॉर द कि यार सेफ्टी रीजंस की वजह से। बट ये बढ़िया है, ये थोड़ी चीज़ मेरे को यहाँ बढ़िया लगी। तो जैसे ही आप गर्ल्स हॉस्टल से आगे आते रहोगे, तो यहाँ पे आपका बैठने का ग्राउंड हो जाएगा, और ये आपका बैडमिंटन कोर्ट है इधर, और ये सामने दूसरी बिल्डिंग आपकी फैशन ब्लॉक। ये है आपका कैफेटेरिया, ये बैंक, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ मोस्टली आपकी भीड़ रहती है। अभी और आगे दिखा रहा हूँ गाइस, तो ये है हमारे सामने आगे आर्किटेक्चर ब्लॉक, और देख लो यार, और ये है आपका उसके जस्ट सामने फुटबॉल का ग्राउंड, मैंने आपको बैडमिंटन का दिखाया, यहीं पे आपका क्रिकेट का भी ग्राउंड है। तो यार ग्राउंड देख लो कितना बड़ा, और ये कैंपस के अंदर है, लाइक MSIT में अगर हम देखें तो MSIT में कैंपस के अंदर नहीं, कैंपस के बाहर है ग्राउंड, हमें जाना पड़ता है। ये देखो कितना बड़ा ग्राउंड है, एक लिटरली वो देखो नेट, वहाँ अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ नेट हो रहा होगा, नेट प्रैक्टिस है। मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ थोड़ा सा ग्राउंड, ये देखो ये पूरा ग्राउंड है, और ये आपकी हॉस्टल्स की, ये देखो ये बॉयज़ हॉस्टल है आपका ये वाला, और बॉयज़ हॉस्टल के जस्ट सामने ग्राउंड है। यार देखो कितना बढ़िया है, कि मतलब आप बस निकलो, खेलो, फिर खाना खाने चले आओ वापस, और ये ग्राउंड देखो कितना बड़ा, वाओ। और ये आपका आर्किटेक्चर ब्लॉक, सबसे सुंदर बिल्डिंग नीटी मीनाक्षी की। तो गाइस मैं आया हूँ अभी हॉस्टल के अंदर, और सबसे पहली चीज़ मेरे को दिखती है वेंडिंग मशीन। यार ये बढ़िया चीज़ है, ये कहीं नहीं देगी, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे कैश डाल सकते हो, कॉइन्स डाल सकते हो, एंड ऑन दैट वैसे ये देखो कुछ गिर गया भैया जी, नहीं नहीं अरे आपका, ये आपका स्टडी रूम, तो ये बढ़िया, देखो हॉस्टल के अंदर स्टडी रूम है यार, हाँ ऐसा बढ़िया हॉस्टल है। तो ये है आपका नीति मीनाक्षी का हॉस्टल। ये कॉमन वॉशरूम नहीं, मतलब तो पूरे हॉस्टल में सिर्फ दो ही हैं, ये ऐसी अभी भी लगी हैं, तो ये सब देख लो। वॉशरूम अटैच है ना हॉस्टल में, वॉशरूम अटैच है रूम में ना, वॉशरूम यहाँ पे है, तो ये कॉमन वॉशरूम है पूरे फ्लोर का, एक भाई पूरे फ्लोर का एक ही कॉमन वॉशरूम, ये रो बनी हुई है। ओके ठीक है, ये रहा कॉमन वॉशरूम, और ये आपका ड्रिंकिंग वाटर, ये रहा कॉमन वॉशरूम, पूरे फ्लोर पे ये बना हुआ है। गाइस ये देखो नीति मीनाक्षी का एक टिपिकल इंजीनियरिंग रूम, एक इधर बेड है, एक इधर बेड है, डबल शेयरिंग, एक टेबल, एक चेयर, एक कबर्ड यहाँ पे मिल जाएगा, एक कबर्ड यहाँ पे आपके पास होगा, ये भी एक टेबल, एक चेयर, और ये देखो पर्दा, भाई हवा बहुत अच्छी आ रही है। तो एक टिपिकल इंजीनियरिंग रूम,
नॉर्मल सा है, एवरेज है, ठीक है बट अच्छा है। तो गाइज ये है आपका हॉस्टल और वो पीछे आपने ग्राउंड मैंने आपको दिखाया था, ये आर्किटेक्चर ब्लॉग और वो सब पूरा पीछे से कवर करता हुआ आया हूँ। कैंपस तो काफ़ी सुंदर है, वो देखो वो सारे नेट्स। तो भैया ये है हमारा आर्किटेक्चर ब्लॉग, सबसे सुंदर बिल्डिंग है भाई ये। अभी तक की नीटी मीनाक्षी में जितने बच्चों से मिला हूँ उनसे बात करी है तो उन्होंने बोला भाई आर्किटेक्चर ज़रूर विजिट करना, एंड आज मैं आपको आर्किटेक्चर अंदर से दिखाऊंगा। पूरी मॉडर्न बिल्डिंग है यार, देखते हैं अंदर क्या है। आओ चलो चलते आर्किटेक्चर। भाई सीढ़ियाँ देखो कितनी बड़ी है यार, ये स्टेयर्स अच्छी हैं बैठने के लिए। वाह गेट देखो, किसी मॉल से कम नहीं लग रहा है ये। तो चलो अंदर चलते हैं। ओके लॉक है तो गेट लॉक है, ऊपर से बंद था क्योंकि वहाँ पे भी एंट्रेंस नहीं है, एंट्री नहीं है, हम नीचे से एंट्री लेंगे तो एंट्री लेते हैं। ओके वाह पे आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती हैं। There's a plane और अभी हम यहाँ पे आपको क्लासेस दिखाएंगे, अंदर क्लासेस कैसी हैं नीटी मीनाक्षी में। बिल्डिंग काफी अच्छी है और यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो इस बिल्डिंग में होंगी आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस, जितनी भी ब्रांचेस है सबकी। तो गाइज अब हम दिखाते हैं आपको नीटी मीनाक्षी की क्लासेस, ये देखो जैसी हमारी होती है MS IT में सेम। तो क्या बता रहे थे आप, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, कुछ पता हो इस कुएं के बारे में। ये देखो ये है फर्स्ट ईयर ब्लॉक जिसमें तुम्हारा पैसे, जिससे तुम्हारे बीटेक से जिससे पैकेज बनते हैं, ठीक है, जिससे ये कॉलेज कोर कॉम्पिटेंसी बीटेक है। और ये है आर्किटेक्चर, ये है आर्किटेक्चर, यहाँ पे आपके अपने पैसे लगा के उसमें पैसे लगाए, ये कुआं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीन क्या है, एग्जाम के समय ये पूरे जो ऊपर से जाली है सब खोल दी जाती है, जिसको धरती का बोझ कम करना है चले जाए। आई गेस ऐसे पांच कुएं हैं, पांच कुएं यहाँ पे, यस पांच कुएं, लिटरल पांच कुएं। और वो देखो ये है आपका असली प्लेन है, बस पता नहीं असली है कि नहीं, इंजन है कि नहीं, इंजन निकाल के असली ही है, कार का इंजन लगा हुआ है। ये आपका ग्राउंड है, ये आगे सुपरनिका हॉस्टल है, ये फर्स्ट ईयर है, फिर बगल में सीनियर है। रैगिंग तो नहीं होती है, रैगिंग होती है कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं होती है, चिल है, गजब। अपने थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। मेरा एक्सपीरियंस सीनियर के साथ ऐसा है कि सीनियर बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रीट करते हैं जूनियर्स को, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसे हंसी मजाक में, तो सुनने में आया था। बस इतना ही बोलूंगा मैं उससे ज्यादा। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. हाय भैया, तो हमें फोर्थ ईयर के भैया मिले। भैया हाउ इज द कैंपस, लाइक चार साल में आपको कैंपस कैसा लगा ओवरऑल जूनियर्स के लिए? ओके सो इट्स वेरी गुड कैंपस, देयर्स लॉट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड, द फैसिलिटीज आर गुड हियर, एंड ऑब्वियसली द व्हाट मैटर्स इज द प्लेसमेंट, व्हाट मैटर्स इज द टीचर्स, एंड दोस ऑल थिंग्स आर वेरी गुड प्रोवाइडेड ओवर हियर। प्लेसमेंट कैसी है भैया यहां पे? प्लेसमेंट अफलातून है प्लेसमेंट का कुछ, खास करके बिकॉज अभी कोविड के बाद बहुत ज्यादा आईटी कंपनीज हायर कर रही है, सो हाईएस्ट पैकेज इज ऑफ अमेज़न हियर जो ऑन कैंपस आई थी दैट इज 30 लाख, लेकिन ऑफ कैंपस भी लोग गए दैट्स अराउंड 48 तक गया है कैंपस, दैट इज फॉर एडोबी के लिए गया है, एंड ऑल्सो सम वेब 3 जो है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क उनसे भी 48 लाख तक गया है। भैया चार साल में आपको कैंपस अगर आप बताना चाहो तो जूनियर को क्या एडवाइस होगा, कैंपस आपके लिए और प्लेसमेंट मिला के सही है, इट्स ऑन एन एवरेज गुड बेस्ट, और क्या रेटिंग देना चाहोगे? इट्स वेरी गुड एक्चुअली, द कैंपस एंड द एनवायरनमेंट, बिकॉज एक्चुअली जितने लोग हैं वही मैटर करते हैं, पीपल एनवायरनमेंट दोस आर ब्रिलियंट, फैकल्टीज जो पढ़ाना है वो तो पढ़ा देंगे, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज द स्टूडेंट। एंड व्हाट इज द वन बैड थिंग दैट यू
realize in these 4 years about this college? एक कोई about this college ऐसा कुछ negative review ऐसा कुछ नहीं है, but यही है कि location थोड़ा सा मतलब city से बाहर है, उसमें थोड़ा problem होता है, but it's okay. For the student, it's like adventure to go outside the college. Thank you भैया, thanks a lot. Thank you. What is a good thing about Neeti Meenakshi? Like it's hostel, boys hostel. Boys hostels are good. Pretty much cool. Okay. Pretty much clean. And like warden is very chill. Like, okay. Can do anything if you want. Yeah, same for girls hostel. Girls hostel is also cool. It's good and like warden is also chill. Warden. What is the timing for the girls hostel? It's 10. 10. Like ये तो यार हमारे college में भी नहीं है इतना तो. And 10:05 for boys because they drop their girlfriends and then reach there. How's the crowd in the Neeti Meenakshi? You can find groups everywhere, like you can find hangout and different groups are there. You can different groups are there. Yeah, okay. You can simply get to know anyone. Okay. Thank you guys. So how's the crowd in Neeti Meenakshi? Crowd is really good, especially during fests. Normally also crowd is really good. Always even you can diversity is there. A lot of diversity. Okay. A lot of diversity. You'll find all kind of people. Okay. North Indian se lekar South Indian sab logo milega. Badhiya badhiya. And what do you tell about like what is the faculty? Faculty actually supportive hai bahut. Okay. Faculty yahan par bahut supportive hai. उसके ऊपर फैकल्टीज भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, यहाँ के टीचर्स बहुत ही सही पढ़ाते हैं. ओके, सो एज फैकल्टी के हिसाब से कोई मतलब नो क्वेश्चंस अगेंस्ट देम. थैंक्स फॉर द रिव्यू, हैव अ फाइन डे. व्हाट इज द बेस्ट प्लेस इन दिस कॉलेज? व्हाट इज द बेस्ट प्लेस यू लाइक इन लाइक लास्ट 4 इयर्स? आई थिंक आई लाइक्ड there's a place called resting room, okay? Okay. It's only for women, okay? So they put these beds and chairs and all of that where only women can, I mean only girls can go. Okay. So that's like the best place because all of us go there to like chill and gossip and get ready and all of that. So I think amazing. That's the best place. Amazing. According to me. According to you? According to me. Monkey Park. It is where we guys still around. Okay, Monkey Park. Yeah. Monkey Park is known because a lot of these couples and all used to come. Okay. And for you? Basketball court. Okay. They visit and we talk. Oh, okay. And for you? My room. My hostel room. Amazing. That's a very good answer. Thank you guys. Thanks a lot. Thank you. कैसा लगा इन डेप्थ टूर ऑफ नीति मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर का, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ. प्लीज लाइक करो वीडियो को, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, उनको भी पता चले कि यार इन डेप्थ कैंपस टूर बना हुआ है इसका. और मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आपको कैंपस कैसा लगा जो नीति मीनाक्षी में पढ़ रहे हैं. फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने जूनियर्स की हेल्प कर सकते हो. रिव्यू डालो, बैड है, गुड है, मॉडरेट है, कोई भी रिव्यू डालो. मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स, कुछ नहीं होगा. जितने आपके रिव्यूज है, जो आपके मन में चल रहा है कि यार मेरे को कॉलेज पसंद नहीं आ रहा, कॉलेज बहुत अच्छा है, जो भी आपके दिमाग में, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालो, आपके जूनियर्स को हेल्प होगी. जितने भी कॉमेड के एस्पिरेंट्स हैं, उनको जो भी डाउट्स आते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे हमारे सीनियर्स हैं जो कॉमेड के से पहले जा चुके हैं, तो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे जितना उनके पास कॉलेज में टाइम होगा. जो मैनेजमेंट के कोटा जो होता है उसके रिगार्डिंग कुछ जानना चाहते हैं तो यार नीचे दिए गए एक फॉर्म को फिल कर सकते हैं. और इस बात पर यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. और मिलते हैं अगली वीडियो में. While I was in the mood, fucking around at your brain now. I ain't tryna tell you.